हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेलो गार्डनिंग में। आज हम बताएंगे कि आप घर पर कैसे हल्दी उगा सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो हल्दी मिलती है वो काफ़ी मिलावट वाली होती है, और इसका पानी जब आप पीते हैं इस पाउडर वाली हल्दी का और नेचुरल का, तो उसमें क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, एक ग्लास में हमारे क्लीन वाटर है, इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं, और जब इसको हम घोलते हैं तो देखिए नीचे बैठ जाता है। ये पूरा नहीं घुलता है। दूसरी तरफ देखिए, ये हमने गर्म पानी लिया है, और हम एक हल्दी की गांठ ले लेते हैं। इसको देखिए हम घिसते हैं, अब देखिए इसको जब हम घोलते हैं और इस पानी को जब हम छान लेते हैं, इसको देखिए छान कर जब हम वापस भरते हैं इसमें, तो अब देखिए कैसा पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर येलो वाटर बनता है। ये हमारी बॉडी तुरंत ले लेती है। ये पानी जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा होता है। अगर कोई एक गिलास पानी ये पी लेता है इस तरह से, तो उसका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इसमें देखिए नीचे हल्दी बैठ गई है, तो ये बॉडी को इसको पचाने में उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है और ये पानी में घुल चुकी है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे आप घर पर एक छोटे से गमले में ऑर्गेनिक हल्दी उगा सकते हैं, और अगर आप 2-3 गमले में लगा लेते हो तो साल भर आप इस तरह से घिस करके पानी पी सकते हैं। इससे ना आपको जुकाम होगा, ना सर्दी लगेगी, और आपको वीकनेस भी नहीं फील होगी। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो कैटालिस्ट का काम करता है और रूट निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके लिए हम एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे, और पीसने के बाद हम इसको छान करके अलग निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा पानी मिला करके उसको डायल्यूट करेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 1 से 2 महीने तक ख़राब भी नहीं होता। आप 2 महीने तक आराम से रख सकते हैं इसको, और एज ए रूटिंग एजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्लांट्स में। तो जैसे कि मैंने इसको छान लिया है, अब मैं इसको एक बॉटल में भर करके इसको डाइल्यूट कर लूँगा, और इसका आप देखिए मैं आगे कैसे यूज़ करता हूँ इस वीडियो में। ये हमने एलोवेरा वाला वाटर जो बनाया था, एलोवेरा का पानी जो है ये हमने ले लिया है, और इसमें अब हम इनको सोक करा देंगे। जो बाज़ार में आपको इस तरह की हल्दी मिल जाएगी, कच्ची हल्दी, इसको हम 2 घंटे तक ऐसे ही रख देंगे। ये हम इसको इसी तरह सोक कराने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें रूटिंग जल्दी हो जाए और जल्दी से ग्रोथ करे, इसलिए हम एलोवेरा के पानी में हमने इस तरह से इसको डुबा दिया है। 2 घंटे बाद अब हम इसको बो देंगे, तो बोने के लिए हमने एक छोटा सा गमला लिया है। हमेशा की तरह हम ड्रेनेज में दियाली यूज़ करेंगे। मिक्स में डालेंगे। ये हमने लिया है गोबर की खाद और थोड़ी सी मिट्टी और परलाइट मिलाया हमने, और थोड़ा सा हमने इसमें कोकोपीट भी मिलाया ताकि थोड़ी नमी बनी रहे, और 10% लिया है परलाइट।
अब ये जो हमने सोक किया था इनको हम लेटा करके गाड़ेंगे, जैसे कि ये है, इसको सीधा नहीं गाड़ेंगे, देखिए ये अखुआ है ना, तो ये सीधा ऊपर बढ़ेगा, तो इसको ऐसे नहीं गाड़ेंगे हम इसको। और इसमें हम पानी डाल देंगे, अब कुछ दिन में इसमें पत्तियां निकल आएंगी, प्लांट बन जाएगा। तो उस प्लांट की पत्तियों को भी हम हल्दी की पत्तियों को भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको घिस करके बताया वैसे आप पी भी सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर उगा सकते हैं ऑर्गेनिक हल्दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।